फैसला जो है वो सुंदर ने साबित किया खुद को प्रूव करके। और आज जैसे हम बात कर रहे थे कि सुंदर जो है इनके रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं अगर बात की जाए यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ, और वो आई थिंक आज देखने को मिला। और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बाद इनका कमबैक हुआ था, तकरीबन ये लगा लीजिए 1325 यानी कि 1325 दिनों बाद ये मैदान पर लौटे हैं और क्या खूब इन्होंने नचाया है आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। जिनका खिड़की थी उसमें सारे के सारे बल्लेबाज फंसते चले गए एक के बाद, और जिस तरीके से वो आउट कर रहे थे और खासकर एक सेट बैट्समैन रचिन रविंद्र को जिन्होंने उनको आउट किया, बिल्कुल फंसा कर और डिफेंस करते हुए सारे बल्लेबाज आउट हुए, चाहे क्या ग्लेन फिलिप्स, क्या डेरल मिचेल, क्या रचिन रविंद्र। और पहले 3 विकेट अश्विन ने चटकाए थे, उसके बाद 7 के 7 विकेट सारे के सारे विकेट इन्होंने कहा भाई मैं ही लूंगा तो कोई और नहीं लेगा, और आखिरी विकेट भी इन्होंने चटकाया। तो कुल मिलाकर आउटस्टैंडिंग इनका स्पेल रहा। और जब इनको टीम में शामिल किया गया था आज सुबह, अंकिता बड़ी क्रिटिसाइज हुआ था कि यार इनको प्लेइंग 11 में कैसे ले लिया भाई, यहाँ पर कुलदीप यादव कैसे ड्रॉप कर दिया। आई थिंक ये जो रोहित और हमारे कोच गौतम गंभीर ने जो ये एक गैम्बल खेला था, कह लीजिए दांव खेला था, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुनील गावस्कर ने भी सवाल उठाया कि अगर आप कुलदीप यादव मतलब एक तरीके से प्लेइंग 11 में कुलदीप को लेना चाहिए था, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट जरूर है और कुलदीप जो है वो सही साबित होंगे, लेकिन ये फैसला जो है वो रोहित के हित में गया, टीम के हित में गया। और 259 पर टीम ऑल आउट हो जाती है न्यूजीलैंड की टीम की, और इंडिया की बैटिंग भी आ गई है। और अभी क्रीज पर आपके शुभमन गिल और जायसवाल मौजूद है, लेकिन बात करनी पड़ेगी कप्तान साहब की। अब देखिए निराश किया यहाँ बहुत ज्यादा, रोहित शर्मा की बात की जाए तो 0 पर आउट हुए, और काफी टाइम से हमने देखा था कि स्टार्टिंग से ही जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज थे इन्हें परेशान कर रहे थे, और मैं और मुन बात भी कर रहे थे कि कहीं आउट ना हो जाए। और देखिए वही हुआ, रोहित शर्मा जो है जो एक रीढ़ की हड्डी है टीम इंडिया की, वही अभी देखिए पहला विकेट गिर चुका है और 16 पे टीम इंडिया के 1 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी मजबूत स्थिति में मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। लेकिन रोहित का फ्लॉप शो मुझे तो याद नहीं आता इनकी लास्ट सेंचुरी आई कब थी बल्ले से, टेस्ट फॉर्मेट। इंग्लैंड के खिलाफ आपने आई थिंक वो मैच मिस कर दिया होगा, वहां पर भी लास्ट 5 इनिंग्स में देखें तो केवल एक बार उन्होंने डबल डिजिट का आंकड़ा छुआ है। मेरे हिसाब से विराट कोहली की सेंचुरी को थोड़ा सा टाइम हो गया है। बात की जाए यहाँ 5 इनिंग में केवल एक बार दहाई का आंकड़ा छुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि रोहित का कितना खराब परफॉर्मेंस रहा है। और इस बार टीम साउथी ने जिस तरीके से क्लीन बोल्ड किया, हक्के बक्के रह गए, रोहित को समझ ही नहीं आया। और इतने सारे जीरो है ना इसमें, रोहित शर्मा की सेंचुरी आई नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको वो मैच याद दिला देती हूँ, इंग्लैंड सीरीज थी, वहां पर भी टीम इंडिया ने उस मैच को जीता था, और वहां पर रोहित के साथ साथ जायसवाल की भी सेंचुरी आई थी। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत जल्दी हो जाएगी आपको कप्तान पर रिलाई ना करना, और मेरे हिसाब से चलिए ठीक है 0 पर दिन होता है, आज दिन रोहित का नहीं था, लेकिन अभी भी बार बार टेस्ट टीम को इसलिए कहा जाता है ना, टेस्ट मैच की दोबारा मौका मिलता है, सेकंड इनिंग भी आने वाली है, वहां पर देखा जाएगा किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अभी हार नहीं माननी है, हालांकि टीम इंडिया ने पहले मैच में जिस तरीके से कमबैक किया था, लग रहा था कि शायद वो मैच तो बहुत डाइसी था, वहां से हमें ये मतलब रिजल्ट मिल गया था कि न्यूजीलैंड की टीम जीतने वाली, लेकिन फाइट बैक टीम इंडिया ने किया था जरूर। और तारीफ यहाँ पर करनी बनती है अश्विन की भी, अश्विन ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। WTC के इतिहास में ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम कर लिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे नाथन लियोन जो थे उनकी रिकॉर्ड को भी तोड़ गया अश्विन ने। तो अश्विन ने आज अच्छी गेंदबाजी की, विकेट्स इन्होंने चटकाए सबसे पहले। और अश्विन के भी तर्कस में कई सारे 3 थे आज, हमने देखने को मिला, बट भूषण सुंदर ज्यादा ही आज इफेक्टिव रहे एज कम्पेयर टू अश्विन, बिकॉज दोनों ऑफ स्पिनर खिलाना ये था तो गैम्बल ही। लेकिन भाई हमेशा हमने देखा है कि जो लेफ्ट हैंडर होते हैं, चाहे रचिन रविंद्र, बिकॉज रचिन रविंद्र बड़ा परेशान किया था इंडिया को फर्स्ट मैच में, और आज भी इनकी पार्टनरशिप में 65 बना दिए थे। और पता है क्योंकि जब भी किसी खिलाड़ी का फॉर्म हो ना, वो फिर दिक्कत करता है, पूरी सीरीज में इनफैक्ट दिक्कत करता है। तो भारतीय टीम का जो मूव था, मेरे हिसाब से मोनू, जब आप इंडियन पिचेस पे खेल लेते हैं, खासकर IPL मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल भी अदा करता है। लेकिन रचिन रविंद्र की बात की जाए तो आज अच्छी बल्लेबाजी भी की और टिक गए थे, और एक वक्त डर भी लग रहा था कि अगर आउट नहीं हुए तो क्या पता बहुत बड़ा स्कोर भी बना ले, शत की पारी भी आ जाए, क्योंकि पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी उन्होंने। सेंचुरी लगाई तो उनकी अच्छी बात क्या है कि इनको बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया को ये चाहिए था कि कोई ऐसा वैरायटी स्पिनर हो जिनका गेंद थोड़ा पड़ने के बाद बाहर निकले। और रचिन रविंद्र कहीं ना कहीं जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे थे, तो 134 बना दिए, और सेकंड इनिंग में नॉट आउट आए थे, तो वो जिता कर आए थे। जब 8 विकेट जीता था न्यूजीलैंड की टीम, और आज भी देखिए 65 बना दिया। आई थिंक हाईएस्ट रन गेटर हो गए मेरे ख्याल से टीम में, या इनसे किसी ने ज्यादा बनाए हैं। कॉनवे ने 76 बनाए, जी हाँ, कॉनवे के बाद ये दूसरे बल्लेबाज है जिन्होंने आज 65 बनाए। तो कुल मिलाकर 259 बनाए न्यूजीलैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग, बट न्यूजीलैंड की टीम ने एक अपॉर्चुनिटी थी वो उन्होंने गंवाई है, बिकॉज 197 पर तीन थे और उसके बाद 259 पर टीम ऑल आउट हो गई, यानी कि 62 में इन्होंने अपने 7 विकेट गिरा दी। अगर ये 7 आउट ना होते और रन बनते तो शायद 350 तक न्यूजीलैंड जा सकता था बड़ी आसानी के साथ। अगर आप फर्स्ट इनिंग में 350 बना दें इंडिया की पिचेस पर, तो फिर आपको फोर्थ इनिंग आप देखिए इंडिया को करनी, और इंडिया फंस सकता था इस मैच में। लेकिन न्यूजीलैंड ने भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवाई है, लेकिन फिर भी रोहित का जो विकेट, जो एक बड़ी मछली फंसाई है, यहाँ से कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर जगी होगी उनके कैंप में, टीम मैनेजमेंट। साथ-साथ विकेट्स भी मिल गए न्यूजीलैंड की टीम को, तो ये प्लस पॉइंट। वही तो एक विकेट गिरा है जो रोहित का बड़ा विकेट गिरा है, और एक चीज और ये हमने देखा है कि आज स्पिनर का बड़ा बोलबाला रहा है, बिकॉज 10 के 10 विकेट न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने चटकाए हैं भारत के लिए। और जब टीम साउदी ने विकेट लिया था उसके बाद जो दूसरे एंड पर गेंदबाजी कर रहा था ना स्पिनर, विकेट्स की अपील जरूर हुई थी बार बार। आई थिंक इंडिया के मिचेल सैंटनर, हाँ 3 अश्विन ने लिए और 7 आपको वॉशिंगटन सुंदर ने लिए, तो 10 विकेट चटकाए स्पिनरों ने। उनकी जैसे ही बॉलिंग आई तो टीम साउदी ने जरूर रोहित को आउट किया, लेकिन उसके बाद मिचेल सैंटनर 2 बार अपील हुई थी मिचेल सैंटनर की, वो भी तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, तो उन्होंने आई थिंक दो बाउंड्रीज दी है, एक शायद गिल ने लगाई और एक जायसवाल ने लगाई। और इनफैक्ट देखिए रहते भाई आजाद पटेल ने 3 और गेंदबाजी की, उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और 2 ओवर में 2 रन दिए सैंटनर। तो कल सैंटनर और आजाद पटेल ये आपको दोनों एंड से नजर आ सकते हैं जैसे ही फर्स्ट सेशन होगा। बट फिर भी इंडिया के जो दोनों बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल अब कमबैक हुआ है और उम्मीद करेंगे भाई इंजरी के बाद आए टीम में तो थोड़ा रन बनाए, और उसके अलावा तो दूसरे बल्लेबाज है भारत के लिए वो है यशस्वी जायसवाल। अब जायसवाल को भी थोड़ा सा अटैकिंग मोड छोड़कर थोड़ा सा डिफेंसिव सोच लेकर और एक अच्छी पारी वो खेले तो इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकता है। कुल मिलाकर पहला दिन अगर आप देखें तो आप 50-50 कह सकते हैं इस मैच को। ये नहीं कह सकते कि यार न्यूजीलैंड बहुत आगे है, आप ये भी नहीं कह सकते इंडिया बहुत आगे है। कुल मिलाकर एक अच्छा एक फाइटिंग टेस्ट मैच मुझे नजर आया पहला दिन अंकिता। बिल्कुल पहला दिन थोड़ा फाइटिंग नजर आया क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट्स नहीं गिरे थे। आपने कहा 64 पे आई थिंक 3 विकेट थे, 65 पे। उसके बाद भी हमने जब देखा कि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, रचिन रविंद्र थे मैदान पर तो एक बड़ा स्कोर बनने वाला था, लेकिन जब सुंदर आए जिन्होंने लगातार विकेट छुटकाया। आई थिंक हम बात कर रहे थे कि 60 रन भी बन पाए थे या 59 नहीं लास्ट 62 62 रनों में 7 विकेट गंवाए, 197 में 3 थे। और अब हम देख रहे जो आप कह रहे थे उस समय रचिन रविंद्र खेल रहे थे और टॉप रनर शायद ये दोनों बैट्समैन बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, टिके हुए थे क्योंकि बाकी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो बल्लेबाजों की बारी है, हालांकि रोहित जो है वो 9 साल बाद उनके साथ ऐसा हुआ है कि अपने होम ग्राउंड पर वो टेस्ट मैच में आउट हुए, डक पर आउट हुए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2015 में आउट हुए थे डक पे। और अब और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इतिहास में कि जो ऑफ स्पिनर इंडिया के उन्होंने सारे विकेट से लिए होंगे, स्पिनरों जरूर लिए होंगे भाई। अनिल कुंबले ने 10 विकेट चटकाया अकेले ही गेंदबाज ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो दिल्ली में ही मैच हुआ था, फिरोज शाह कोटला, उस जमाने में फिरोज शाह कोटला होता था, आजकल अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसमें 10 विकेट चटकाए थे अनिल कुंबले ने और स्पिनरों ने बहुत बार चटकाए। बट आज देखिए आज ये बात थी कि दोनों ऑफ स्पिनर थे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑफ स्पिनर